Now students, second question from exercise 2.5. Question is, evaluate the following products without multiplying directly. मतलब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई आइडेंटिटी का यूज करके इसका प्रोडक्ट बताना है कितना, जादू से नहीं। देखिए यहां कौन सा जादू है, आप इसको ब्रेक करेंगे बाइनोमियल में। कैसे, ध्यान से देखो। जैसे अगर 100 है तो हम इसको लिख सकते हैं 103 है, 100 लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये देखो एक टर्म था, इसमें दो बन गए। अच्छा 100 ही क्यों, आप कर सकते हैं सर 99 प्लस 4 लिख लीजिए, जिससे हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो। तो 100 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, इसलिए 100 में हमने सोचा, ठीक है ना। अब अगर इसको सॉल्व करना, जरा देखिए कौन सा फार्मूला, कौन सी आइडेंटिटी आप लग रही है, जो दो तीन आइडेंटिटी आप जानते हो सर, जल्दी बोलो सर। x प्लस ए, हाँ बिल्कुल, x प्लस ए इंटू x प्लस बी जैसा है, आइडेंटिटी यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। x प्लस ए इंटू x प्लस बी दैट इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू x प्लस ए बी, आइडेंटिटी आपकी। अब ध्यान से देखो, ए के प्लस पे क्या है 3 और b के प्लस पे 7 और x के प्लस पे 100, दोनों जगह देखो 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, वेरी गुड। फिर आगे क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, प्लस लगाते हैं a ब्रैकेट में a प्लस b x, a प्लस b क्या लिखें 3 प्लस 7, वेरी गुड, 3 प्लस 7 इनटू x, x के प्लस पे क्या होगा 100, ठीक है ना, इनटू 100 और प्लस 7 इनटू 3, 3 इनटू 7, वेरी गुड सर, समझ पाता। सॉल्व करिए, 100 का स्क्वायर कितना होगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएंगे ना, यस 10,000 प्लस 73 कितना हुआ 10 इनटू 100 1,000 और प्लस 21 ऐड करो कितना हुआ 1,000, वहां पर 121 इसका समाधान 1121, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इस पे आ जाइए, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 95 इनटू 96 हाँ, अब इसको कोई कहेगा सर 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख लीजिए, कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान है, हमने कहा 100 ज्यादा आसान होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इसको 100 माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका यहाँ ये लिखी गई, हाँ जी 100 माइनस 4, हाँ जी 100 माइनस 4 करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा सर 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, आगे बोलिए सर 5 प्लस 4 माइनस 5, जैसे विद साइन लिखेंगे एक ही वैल्यू माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 इनटू 100, वेरी गुड, और फिर आगे क्या, 20 प्लस 20 माइनस 5 इनटू माइनस 4, आप लिखिए सही, यस यस, डायरेक्ट में आप गलत कर सकते हो ना, बीच स्टार्ट किए हो, तो अब आप अगले उसमें चलिए 10,000 स्टेप में 10,000 प्लस ये किसका सम बताइए कितना, माइनस 5 माइनस 4 9 नहीं माइनस 9 माइनस, ऐड होगा लेकिन साइन तो माइनस कराएगा, हो जाएगा माइनस, तो और प्लस इनटू माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 900 आ जाएगा। अच्छा इसका कितना होगा, जैसे माइनस कितना होगा माइनस 20 प्लस 20, आप लोग क्या करते हो प्लस माइनस माइनस प्लस दोनों चीजों को एक में कर देते हो, दो फार्मूला एडिशन और सबट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होता है, अगर प्लस प्लस आप ये कर दिए कि सेम साइन सम होता है, समेशन होता है, अगर सेम साइन है दोनों प्लस है तो भी ऐड होगा, दोनों माइनस है तो भी ऐड होगा, लेकिन साइन वही रहेगा जो दिया गया है, और जो माइनस माइनस प्लस आप बोलते हो वो माइनस इंटू माइनस बोला गया होता है, इक्वल टू प्लस, इंटू इंटू चीज अलग होती है और यहाँ एडिशन अलग है, देखो दोनों सेम साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, सेम साइन है इसलिए ऐड होंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, इज इट क्लियर आप, और यहाँ पर क्या देखो मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस, तो इसका रिजल्ट तो माइनस में आएगा लेकिन इसका रिजल्ट प्लस में आएगा, क्लियर होगा, यस। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 900 घटा के बताइए कितना हुआ, सात्विक इसका आंसर बोलिए कितना है 900,
9120 ही राइट आंसर। ठीक है, अब एक पार्ट हमने और लगा कर रखा है वहां पर लिखा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट आगे क्या क्वेश्चन है बस बोलिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 104 × 96। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 100 + 4 × 100 − 4। अब इसकी आइडेंटिटी थोड़ा बदल गई, आसान वाली हो गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा इसकी आइडेंटिटी, ये होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका 100 square, 100 square, 100 square, 4 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 square,
और इनका अच्छे से यूज करना सीखना पड़ेगा, फिर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आगे चले,